गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती है। लेकिन कांग्रेस की मैं एक अच्छी बात करूँ, वहाँ पे यशमा 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 जैसा नहीं लगाते हैं, ऐसे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कि अरे प्रदर्शन करोगे तो यशमा लगा देंगे, यशमा का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर होगी, और कानूनी कार्रवाई हुई तो भाई अंदर जाओगे। तो पंजाब पंजाब में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, शायद पंजाब सरकार को पता ना हो, लेकिन हम भी नहीं चाहेंगे ऐसा ऐसा जैसा कानून लगाए, क्योंकि विरोध समर्थन करना हर किसी नागरिक का दायित्व है और अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये खबर खत्म होती है, अब कुछ और खबर ले लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद आप लोगों के कमेंट भी मैं देख रहा हूँ काफी आ रहे हैं, उनको मिलेंगे। देखिए एक खबर है, पंचायत सचिव पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, और क्यों कार्रवाई हुई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से इसने अभद्रता कर दी थी। मामला कहाँ का है इसको समझ लेते हैं। इंदौर देवास से, यानी कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से निकल कर आ रहा है। देवास की भैसूनी पंचायत में पंचायत सचिव द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने के मामला में एक वीडियो आया है। एक दिन पहले ग्राम पंचायत भैसूनी में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कुछ आशा कार्यकर्ता काम करने के लिए ग्राम पंचायत भैसूनी के सचिव सुनील के पास पहुंची थी। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव जो है इसने कार्यकर्ता आशा आंगनबाड़ी कर्मियों से जो है अभद्रता करते हुए कार्यालय से जाने के लिए कह दिया। मामला जिला पंचायत और कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद निर्देश दिए गए ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई तत्काल की जाए, और उसके बाद ग्राम पंचायत जो है सचिव सुनील इसको तत्काल फिलहाल जो है निलंबित कर दिया, ऐसी खबरें प्राप्त हो रही हैं। और निलंबन के बाद पंचायत कार्यालय मुख्यालय पर भी अटैच कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। और अगली खबर देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से भी खबर आ रही है, यहाँ पर भी जो है सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की मांग की गई है, और समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया है उसी को कन्वर्ट करके सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की जाए। और इसको लेकर हम फिर से रिपीट नहीं बताएंगे, क्योंकि सब वही मांगे हैं जो हम सबसे पहले जो है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बता चुके हैं। तो इसको लेकर जो है आंगनबाड़ी कर्मियों और विभिन्न यूनियन जो है, जब उनको पता चला ये प्रोत्साहन राशि है, तो सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर योगी सरकार से अपील की है। ठीक है, अब चलिए एक और खबर आपको बता देते हैं जो निकल कर आ रही है, इसको समझ लेते हैं। देखिए 100% टीकाकरण से जुड़ी खबर निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी कर्मियों ने संकल्प ले लिया कि 100% टीकाकरण होगा। टीकाकरण का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन लगना, इंजेक्शन लगना। मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो आप लोगों जानते होंगे कि इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे कि कोविड का इंजेक्शन लग रहा है इस समय, टीकाकरण हो रहा है, और भी कई तरीके के टीकाकरण होते हैं, और जिसमें क्या होता है विभिन्न रोगों से उपचार किया जाता है टीकाकरण के माध्यम से, बीमारियां नहीं होती। मध्य प्रदेश के झाबुआ से खबर है, और यहाँ पर आपको बता दें कलेक्टर यहाँ के यानी कि डीएम सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिले की हर ग्राम पंचायत में 100% टीकाकरण हो, इसके लिए सभी ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, और इसमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे 100% जो है टीकाकरण अभियान में सहभागिता करने वाली है और जागरूक करेंगी लोगों को। लगातार कर रही है, ऐसा नहीं कोई नया काम है, लगातार कर रही है। खबर यहाँ पर बैठक हुई इसलिए हमने आपको बताई, लगातार उनका अभियान चल रहा है, और ये अभियान आज से नहीं चल रहा है, ये अभियान काफी समय पहले से चल रहा है। हालांकि टीकाकरण की शुरुआत तो 16 जनवरी 2021 से हुई है, लेकिन सर्वे का काम तो काफी समय से वो कर रहे हैं ना, रिपोर्ट प्रेजेंट करना, रिपोर्ट लाना, ये सब वगैरह तो काम काफी समय पहले से हो रहा है। तो एक बहुत महती भूमिका जो है आशा या फिर आंगनबाड़ी वर्कर इन्होंने निभाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि ऐसे समय पर इन्होंने जो है काम किया जब सब लोग दुबक के बैठे थे। सरकार खुद ही कह रही थी दुबक के रहना भाई, नहीं उलट पड़ेंगे, यानी कि डंडा पुलिस का डंडा चलेगा, समझ रहे हैं। उस समय जो आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई। मैं तो ये कहता हूँ कि इसी वजह से प्रत्येक राज्य सरकारों को राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाना चाहिए, कि कोविड जैसे महाकाल में इनकी इतनी महती भूमिका, सिर्फ तारीफ कर देते हैं, चाहे योगी जी हों, चाहे कैप्टन सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे केजरीवाल जी हों, सब तारीफ लंबी लंबी करते हैं, पर तारीफ से कहाँ काम चलता है। इकट्ठा आप लोग एक चुट्टा दिखाइए, राज्य कर्मचारी घोषित कर दीजिए। थोड़ा बहुत आपका बजट खाली होगा मुझे मालूम है, लेकिन आप बजट देना कहाँ चाहते हैं? अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी हो, जो आप इच्छा शक्ति की बात आंगनबाड़ी कर्मियों से करते हैं कि आप कई उदाहरण देते हैं, आप यशोदा माँ हैं, आप ये हैं वो हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर भी तो इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर भी तो होना चाहिए कि भाई अब इनको परमानेंट किया जाना चाहिए, इनके दायित्व को देखते हुए, इनके अनुभव को देखते हुए। सहमत है तो लाइक करिए। चलिए खबरें खत्म होती हैं, अब सब कुछ कमेंट आ रहे हैं, कमेंट को देख लेते हैं, फिर सभी के रिप्लाई देके जाएंगे। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाकर ऑल कर लीजिए। मुझे पता है 50 से 60% लोग देखते रोज हैं, पर लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अपडेट मिलेगी, और रोजाना 12 बजे हमारे साथ लाइव में जरूर जुड़ा करें।
ये लाइव ही चल रहा है, जिनको नहीं पता है उनको मैंने बता दिया, ठीक है।